हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ सेंटेंसेस। चेंज ऑफ सेंटेंसेस, इसमें मैंने लिखा नहीं है कि सेंटेंस को किस में चेंज करना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, पहला दिया गया एम आई अ बॉय। इस सेंटेंस को देखने पर क्या लग रहा है कि हमारा सेंटेंस कैसा है? एम आई अ बॉय, इसका मतलब ये क्या है कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर होता है। अगर हम लोग किसी तरह से ना पहचान पाए तो क्वेश्चन वर्ड से जरूर पहचान लेते हैं कि हमारा क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, अब इसको चेंज करते हैं असर्टिव में। असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? असर्टिव का मतलब होता है कि एक सिंपल वाक्य, यानी कि जो एकदम साधारण वाक्य हो, जिसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब अगर इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए, हो जाएगा आई एम अ बॉय, अब यहाँ पे फुल स्टॉप। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया? आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। और ऊपर क्या बोल रहा है? क्या मैं एक लड़का हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ये असर्टिव हो गया। अब अगर इसी को हमें निगेटिव में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए, हो जाएगा आई एम नॉट अ बॉय, ये हमारा किस में चेंज हो गया? निगेटिव में। अगला दिया गया है वॉज सी अ पुअर गर्ल, ये भी हमारा किस में है? इंट्रोगेटिव में, क्योंकि ये हमारा किससे शुरू हुआ है? हेल्पिंग वर्ब से। और ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, वॉज सी अ पुअर गर्ल, इसे पहले हम लोग बनाते हैं असर्टिव। असर्टिव में क्या बनेगा? सी वॉज अ पुअर गर्ल, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब इसे अगर निगेटिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे? हो जाएगा सी वॉज नॉट अ पुअर गर्ल। आगे दिया गया है डू आई रीड, अब ये देखिए डू आई रीड, ये हमारे किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? डू या डज। डू या डज कब लगता है? जब हमारा कोई प्रश्नवाचक आता है, यानी कि इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव आता है तब। सिंपल यानी कि जब असर्टिव रहता है तो हम लोग डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? बस आई रीड। देखिए, यहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे सब जगह क्वेश्चन वर्ड अगर था तो उसे हम लोग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देते थे, उसके आगे कर देते थे। यानी कि असर्टिव बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। लेकिन पास्ट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यही फ़र्क होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते हैं अगर असर्टिव होता है तब। अब इसे निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट रीड। अब देखिए, इसे नेगेटिव बनाते समय डू लगाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाते समय डू लगाएंगे, लेकिन असर्टिव बनाते समय डू नहीं लगाएंगे। आगे दिया गया है सेल आई गो, अगर इससे हम लोग को असर्टिव बनाना तो क्या बनाएंगे? आई सेल गो। अब इसे अगर नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आई सेल नॉट गो। अगला दिया गया डिड ही गो, अब देखिए ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में मैंने बताया कि जब असर्टिव बनाते हैं या फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता है तो उसे हम लोग कैसे लिखते हैं? मान देखिए ही, अब यहाँ पे वेंट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान और रूल एक बार फिर से देख लीजिए, मैं उसे बता देती हूँ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या बताया गया था? अगर सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ असर्टिव होता है तो उसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, उसमें कहीं भी डिड नहीं लगता है। अगर वही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना हो तब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, और उसकी हेल्पिंग वर्ब उसमें एक ही लगती है, जो है बस डिड। उसके अलावा उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। अब अगर इसे निगेटिव बनाना तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब देखिए, यहाँ पे गो लगेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग जब डिड का प्रयोग कर देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये रूल है, तब हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर जब डिड का यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। और डिड का यूज कब नहीं करते हैं? जब हमारे सेंटेंस असर्टिव हो तब। दिया गया शुड राम वर्क, अब इसे असर्टिव बनाएंगे तो हो जाएगा राम शुड वर्क।
अब इसे अगर निगेटिव बनाना रहेगा तो यहीं पे नॉट लगा देंगे, मतलब सुड के बाद नॉट लगा देंगे, जैसे हो गया सुड, राम सुड नॉट वर्क, यहीं पे नॉट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ही मे, कम हो जाएगा सेरिटी के लिए, यहाँ पे ही मे नॉट कम। अब अगला दिया गया है ही माइट, तो हो जाएगा इसका असर। अब देखिए ये हमारा यहीं पे देखने की बात है, ये हमारा सेंटेंस खुद असर्टिव में है क्योंकि इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग नहीं हुई है। तो अगर हम लोग इसे हम लोग अगर बनाते हैं किसमें, इसे हमारे जब असर्टिव में, तो इसे हम लोग क्या बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं। निगेटिव के बाद और क्या बना सकते हैं, निगेटिव के बाद हम लोग इसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आगे करके। तो आई होप आपको जो चेंज ऑफ सेंटेंसेस है उसे आप लोग को असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से निगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव में चेंज करना अच्छे से आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक था, आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा।